हैं कि एक कहा जा रहा है कि एक लंबा मॉडल, एक मजबूत मॉडल देने की बात की जा रही है, लेकिन झारखंड पर नजर डालते हैं। सबसे बड़े ओपिनियन पोल में अब झारखंड की हम बात करेंगे। झारखंड का ओपिनियन पोल क्या कहता है, सचिन ओवर टू यू। झारखंड बिहार आपने देखा कि जहां एक तरफ जो है बीजेपी अपना गढ़ बचा रही है, बीजेपी इंप्रूव कर रही है और जेडीयू को कहीं ना कहीं थोड़ा सा झटका है। अगर हम वापस झारखंड में करते हैं, मुख्यमंत्री जेल में है, चंपई सोरेन सरकार चला रहे हैं, लेकिन क्या ये सिंपथी वोट तब्दील हो पा रहा है? झारखंड हमारा ओपिनियन पोल क्या कहता है, मयंक क्या आंकड़ा लेकर के आए हैं? ये है झारखंड। तो झारखंड का जिन जब खुला तो ये 12 सीटें बीजेपी को आप दे रहे हैं मयंक जी, 12 आप बीजेपी को दे रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को आप एक पर लेकर के आ रहे हैं, आजसू तो कहीं ना कहीं पार्टनर ही है, तो कुल मिलाकर के आपने 13 सीटें 14 में से एनडीए को दे दी एंड दिस इज अ वेरी बिग नंबर। डिस्पाइट सीएम इज इन जेल, उसके नाम पर पूरे देश में एक जिसे कहते हैं बस सहानुभूति कि मुख्यमंत्री जेल में कैसे सरकार चलेगी और तमाम चीजें, मुख्यमंत्री की पत्नी को मुख्यमंत्री बना था लेकिन कुछ नहीं चल रहा। बिल्कुल, जो हम लोगों को ऑन ग्राउंड दिखा वो ये दिखा कि वहाँ पे कोई सहानुभूति नहीं है इस चीज़ को लेके ऑन ग्राउंड लोगों के पास कोई, अगर हम लोग जो जाके हम लोगों ने जो क्लोज सेक्टर ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने पूछे उसमें कोई सहानुभूति उनको नहीं दिख रही है। इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है और उन लोगों ने नरेटिव बहुत अच्छे से सेट किया है अगेंस्ट करप्शन, करप्शन के अगेंस्ट में लोगों ने, आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा इसका मतलब, तो ये वो ओपिनियन ये शायद कह रहा है कि शायद झारखंड की जनता ये समझ रही है, जान रही है कि मेरा पैसा लूटा है, मेरा पैसा लूटा है, मेरे पैसे के साथ भ्रष्टाचार हुआ है और वो नाराजगी जाहिर कर रही है फिलहाल जो है सरकार के खिलाफ। बिल्कुल, आप देखेंगे कि गीता कोड़ा भी वापस बीजेपी ज्वाइन कर ली। हाँ, हाँ। वो एक काफ़ी टाइट सीट थी, जब हम लोगों ने भी सर्वे किया था तो वो एक काफ़ी कॉन्टेस्ट वाला मामला था, जो इनकी सीट है सिंहभूम। हाँ, तो सिंहभूम से जब गीता कोड़ा ने वापसी बीजेपी में उन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद वो सीट का भी मामला हम लोगों के पास नहीं दिख रहा है। अदरवाइज जो JM1 है वो 2 हो सकता था और अच्छू जो उनकी अलायंस पार्टनर है उनके पास भी एक सीट आता हुआ दिख रहा है। तो चलिए कुल मिलाकर के यहाँ पर हो सकता था, तो यहाँ पर ये जो सीटें हैं जो फिलहाल जो टैली है वो इस तरीके से नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के फिलहाल जो है हम ये आपको बता रहे हैं कि ये जो ओपिनियन पोल है इस वक्त का, ये ओपिनियन पोल क्या कहता है, ये ओपिनियन पोल क्या जनरेट करता है। अभी आगे और पीएम की रैलीज होंगी, फिलहाल ये आंकड़े बढ़ेंगे और देखना होगा कि ये आंकड़े किस तरीके से जो है एक पैराडाइम शिफ्ट लेते हैं और कहाँ जाती है। मैंने आपको कहा था कि ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अगर वो विंडो है, वो द्वार है, तो वहाँ से ईस्ट की तरफ होते हुए अगर बिहार की तरफ हम चलते हैं झारखंड, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आने वाले राज्य हैं लेकर के जाएंगे मेरे सहयोगी रोहित और अरण्या। लेकिन ये लगातार ओपिनियन पोल चलता रहेगा, मैं अंक हमारे साथ एक्सप्लेन करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी